से खानदान हजरत महबूब सुभानी बोले खाना मस्जिद बोले खाना और यहाँ पर हम अभी जुड़े हैं हमारे यहाँ के नए सज्जाद रशीद जिन्होंने जानशीनी हासिल की है आज शाह फताउल्लाह फादरी साहब अलमुल्तानी शाह फताउल्लाह फादरी अलमुल्तानी ने यहाँ पर नई सज्जाद रशीद ली है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपनी जानशीनी हासिल की है। इनकी सिलसिला चलते आ रहा है और साथ दस्तगीर अब्दुल फादर जिलानी रहमतुल्लाह के सिलसिले से खानदान ताल्लुक रखता है। इनकी जानशीनी वहाँ से चलती आ रही है। उसके बाद शाह इब्राहिम कादरी अलमुल्तानी सज्जाद नशीन दरगाह हजरत मखदूम जी कादरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। शाह सज्जाद बहरुद्दीन कादरी अलमुल्तानी सज्जाद नशीन दरगाह हजरत शाह फतेहुल्लाह कादरी अलमुल्तानी मारूफ दादा पीर साहिबुल्लाह की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। और इसके साथ साथ इसी को चलते हम आज एक ऐसी अनोखी चीज से आपको वाबस्ता कराएंगे, आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे ऐसी अनोखी दिलचस्प एक जिसको आप भी देखेगा हमारे दिमाग को मुतासर कर देगी। इसलिए आप ये देखिए आपके सामने सलाह करेगा जो सलाह से ताल्लुक रखता है वो बिल्कुल ये मौके को अपने आप पर खुशनसीब समझेगा। हर मुसलमान हमारे चैनल के माध्यम से जब ये कलाम पाक को देखेगा तो बिल्कुल वो अपने आप को खुश नसीब महसूस करेगा, दुनिया का बहुत ही खुश नसीब इंसान महसूस करेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए बड़े हुक्मों में ये लिखी गई कुरान है और इसका जो हिस्ट्री है हम आपको बता दें, ये 1300 हिजरी में लिखी गई कलाम पाक है। ये पूरी मुकम्मल कलाम पाक यहाँ पर मौजूद है और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मीटर दूरी पर से भी पढ़ सकते हैं, बिना छुए पढ़ सकते हैं। इसको हम बिल्कुल खुले अल्फाजों में आप देख सकते हैं लिखा गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते हुए आइए इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी देंगे उमर साहब अब्दुल करीम भाई से हम कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद महबूब सुबानी खानखान डोले खाना में ये हमारे मस्जिद के जो सज्जाद नशीन थे शाह शमसुद्दीन खादरी साहब के इंतकाल के बाद उनके फर्जंद शाह फताउल्लाह खादरी को तकरीब मुकर्रर करके तमाम बीदर के जितने भी सज्जादगान हैं उन सबको बुलाया गया था। उनकी ज़ेर निगरानी पे उनके सबके दस्तखें और सिग्नेचरें लेके उनको जानशीन बनाया गया। इस मौके पर यहाँ पर इनके संदोख के अंदर ये कलाम पाक पारे मिले जो 1300 हिजरी में लिखे हुए थे। ये देखने पर ऐसा है कि 2 मीटर दूर पे रख के भी इसे पढ़ा जाता है, बड़े बड़े अल्फाज हैं। यह हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, इतने बरसों के बाद भी ये चीज़ हमारे सामने है और हम सबको देखकर कुरान की तिलावत करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए और दूसरों को कुरान की तिलावत करने के लिए कहना चाहिए। आइए कुछ और स्पेशलिटी इसकी जानते आएंगे इस कलाम पाक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।